हाई बीपी। जी हाँ, आज के दिनों में देखा जा रहा है तो ये हाई बीपी जो है तकरीबन सभी को अपने आगोश में ले रही है। उस सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में अक्सर हम लोग अपनी जो डाइट है उसको थोड़ा सा किनारे रख के खान पान में थोड़ा सोचते हैं कि हेल्दी खाना हो जाए, उसके साथ साथ जो चटपटी चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा हम लोग खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सर्दियों में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ नैतिक राज तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हेल्थ। सर्दियों में स्पाइसी खाने अपना ही मज़ा होता है, लेकिन कुछ लोगों को सर्दी में ज़्यादा स्पाइसी खाने से शरीर में खास तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सर्दी में लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, ऐसे वक्त में खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में उससे जुड़ी कुछ टिप्स देने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप बीमारी से दूरी बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने डाइट में कुछ खास चीजों के शामिल करें। ठंड में सीजनल बीमारियों से बचने के लिए मछली एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा मछली खाते हैं तो ये आपको शरीर के लिए जितनी ही जरूरत पोषक तत्वों से है उसे अकेला ही पूरा कर देती है। शरीर के लिए कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति सही टाइम पर हो तो सीधा असर आपके फिटनेस पर पड़ता है। मछलियों में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 शरीर के फैटी एसिड को कम करने की पूरी कोशिश में रहता है, साथ ही आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सर्दियों में मछलियों को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, जैसे टूना, सैल्मन और मैकरल मछली आदि। सर्दी के मौसम में स्किन की समस्या ज्यादा होती है, इस दौरान स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है जिससे आपके चेहरे का निखार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मछली में मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 चेहरे के निखार को बरकरार रखते हैं। मछली में मौजूद विटामिन आयरन, विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बचाता है। सर्दी में सैल्मन मछली को जरूर खाएं। इसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के में बहुत ज्यादा मददगार साबित करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर ओमेगा 3 का असर दिखाई देता है जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के लिए भी काफी अच्छा होता है, इसे खाने से मेमोरी ठीक रहती है। सर्दी में कोल्ड कफ जैसी समस्या आम होती है। सैल्मन फिश खाने से सांस से जुड़ी दिक्कतें भी ठीक हो जाती हैं। तो ये सर्दी के जो डाइट थे जिसमें आपको एक फिश को शामिल करना, एक कहें या फिर जो सूची हमने दी थी मछलियों की, उन्हें खाने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़िया रहेगी, आपकी त्वचा में निखार आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।